जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, चाइना की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए आज तक भारत शांत बैठा हुआ था, लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से अब ऐसा फैसला लिया गया है और इस तरीके का कारनामा करके दिखाया गया है जो कि मित्रों यकीन मानिए भारत के इतिहास में आज तक नहीं किया गया। और चाइना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इंडियन नेवी द्वारा इस तरीके का इतना बोल्ड और इतना खतरनाक स्टेप लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी मित्रगण जानते हैं, चाइना की विस्तारवादी नीतियों को लेकर चाइना भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में अक्सर घुसपैठ करते रहता है और हालिया दिनों में तो भारत की इंटरनेशनल सीमाओं के आसपास चाइनीज जासूसी सिपों का हॉटस्पॉट बन गया है। दरअसल दोस्तों, वो अक्सर यहीं पे टहलती हुई नजर आती है और चाइना की तरफ से ये खबर निकलकर भी सामने आ रही थी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वो भारत की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। और इसी तरीके की अतरंगी बातें करते हुए चाइना की तरफ से भारत के हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई सारी जगहों का नाम बदलने का भी ऐलान किया गया और बताया जा रहा है इस इलाके की समुद्री मैपिंग भी चाइना की तरफ से पिछले महीने कंडक्ट कर ली गई, जिससे कि वो अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते अपने बड़े बड़े युद्ध पोतों और सबमरीनों को यहाँ पे ला सके। लेकिन दोस्तों, शांत स्वभाव रखने वाले भारत को इस तरीके की चुनौती देना चाइना को इतनी भारी पड़ेगी, चाइना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों, भारतीय नेवी ने एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया जिससे कि चाइना की रातों की नींद उड़ गई और चाइनीज मीडिया में भारत द्वारा लिया गया बदला इस खबर को बार बार रिपीट टेलीकास्ट में चलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ इस प्रकार है कि भारत की नेवी ने अपनी वीरता और पराक्रम दिखाते हुए दक्षिण चीन सागर में इतिहास में पहली बार एक युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया और भारत के इस तरीके के बोल्ड कदम को चाइनीज मीडिया काफी ज्यादा जोर शोरों से अपने देश में रिवेंज के नाम से चला रहा है। क्योंकि दोस्तों, बीते पिछले महीने में चाइनीज नेवी भारत के हिंद महासागर के पास पहुंच गई थी और उसकी इसी गुस्ताखी का जवाब देते हुए भारतीय नेवी दक्षिण चीन सागर में जाकर घुस गई। आपको बताना चाहूंगा, वहीं दक्षिणी चीन सागर में भारतीय युद्धपोत जब युद्धाभ्यास कर रहे थे तो चाइनीज युद्धपोत और चाइनीज जासूसी सिप और इनके फाइटर जेट दूर से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और इनकी निगरानी टाइप कर रहे थे। और दोस्तों, इससे चाइना को एक सख्त संदेश भी पहुंचा है कि यदि चाइना की तरफ से भारत के बैकयार्ड या भारत के किसी भी क्षेत्र में घुसने की कोशिश की जाएगी तो भारत इसके जवाब में चाइना के अंदर घुसने में भी जरा भी संकोच नहीं करेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आप सभी मित्रगणों के जो भी विचार है कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।